हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। जानेंगे इसकी स्टेप बाय स्टेप एक डिटेल्स के बारे में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए चलते हैं क्लास में, मिलते हैं आपसे क्लास के एंड में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विजय ने अर्न करे 4 लाख रुपीज, आउट ऑफ विच 3,50,000 रिसीव्ड। इट मींस व्हाट कि भाई कमाए तो मैंने कितने रुपए हैं, 4 लाख रुपए, बट मिले 3,50,000। समझते हो इस बात को? इट मींस 50,000 रुपए भी नहीं मिले। दूसरी बात कहते हैं एक्सपेंस 1,70,000 रुपीज, आउट ऑफ विच 40,000 आउटस्टैंडिंग, 40,000 रुपए भी हमने दिए नहीं है। फिर कहता है ही आल्सो रिसीव्ड फी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल की फीस बाकी रह गई थी 5,000 मिली हमें। फिर कहता है आल्सो पेड रुपीज 20,000 एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल की खर्चे थे 20,000 रुपए, वो हमने पे करे हैं। तो अब क्वेश्चन है कि इनकम डिटरमाइन करो एज पर अक्रूअल बेसिस और एज पर कैश बेसिस। हमें आवाज से जब रे बीच में अक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि करंट ईयर की इनकम को देखेंगे, करंट ईयर के एक्सपेंस को देखेंगे, चाहे वो मिले हो या नहीं मिले हो, चाहे हमने उसको पे कराओ या नहीं कराओ। अक्रूअल बेसिस हमने अर्न कितना करा है, इट इज अर्न 4 लाख, माइनस कर देंगे एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस हो गया 1,70,000 रुपए। अक्रूअल के हिसाब से इनकम कितनी हो गई, 2,30,000, ये इनकी इनकम हो गई। बट अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं तो कैश बेसिस के हिसाब से क्या होगा, कैश बेसिस बोलता है कि जो पैसे मिले हैं वो मेरी इनकम है और जो पैसे गए वो क्या है, एक्सपेंस है, चाहे वो किसी भी ईयर के हो। अब जो पैसे मिले इस साल कैश इनफ्लो, कितना कैश आया, तो 3,50,000 रुपए इस साल का है और पिछले साल के 45,000 रुपीज आए, तो कुल मिला के कैश कितना आया विजय के पास, 3,95,000 रुपीज, 3,95,000 रुपीज। और लास्ट एक्सपेंस पे कराए, तो इसे बोलेंगे कैश आउटफ्लो, माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो, कितना कैश गया। तो पहली बात तो इस साल की जो एक्सपेंस थे वो कितने थे, 1,70,000, 40,000 रुपए अभी आउटस्टैंडिंग है, नहीं देने बाकी है, तो कितने दिए होंगे, 1,70,000 से 40,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1,30,000। और पिछले साल के 20,000 रुपए दिए, लिखा था पेड 20,000 एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, तो कुल मिला के कितना इस बार 1,50,000 रुपए, उसे इसमें से माइनस कर देंगे तो इस साल की इनकम आ जाएगी 2,45,000 रुपीज। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं मैं लिख रहा हूँ। हाँ नोट कर लीजिए। एक्सपेंस लिखा है ना सर एक्रूअल में सेकंड पे, क्या कहा, अरे एक्सपेंस लिखा है ना सेकंड एक्रूअल बेसिस पे, हां एक्सपेंस फीस अर्नड एक्सपेंस इनकर्ड, और सर 178,000 है ना सही, नहीं 4 लाख और 170,000,
फोर लैख है ये, ये 4 लाख है, ये 1,70,000 है, 1 लाख ना। 1,70,000। मेरा आंसर गलत है आप। अब आ गया सही। अब तो उसने पहला बोला कैश बेसिस के हिसाब से निकाल दो, कैश बेसिस तो ये रहा फर्स्ट, सेकंड बोलता है एक्चुअल बेसिस तो हिसाब से ये है। ठीक ठीक है, हाँ ठीक है, अब करते हैं नया चैप्टर है चालू। मिनट आ रहा ठीक है। चलिए समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, क्या चीज है समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है आप नोट करेंगे कॉपी पर, कॉपी में नोट करिए। एन अकाउंटिंग इक्वेशन, एन अकाउंटिंग इक्वेशन, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट असेट्स एंड विच शोज दैट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल, विच शोज दैट असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल। तो पहले तो डेफिनेशन हुई हमारी यहां पर कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो क्या दिखाती है हमें कि भाई क्या चीज इक्वल है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फर्म, फर्म माने बिजनेस, बिजनेस की असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है इक्वल है। तो यह है अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन।
अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये चैप्टर, इसको हमने जो बनाया है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस से बना है। मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कराए थे, प्रिंसिपल्स कराए थे, वहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। उसमें बताया था मैंने कि एवरी ट्रांजेक्शंस हैज टू इफेक्ट्स। मिनिमम कितने इफेक्ट्स है उसके? दो इफेक्ट। कि दो इफेक्ट कैसा होते ही होते हैं। दो इफेक्ट कैसे? मान लो आप क्या करा, आप कार लेके आए तो एक कार बढ़ गई, दूसरा बैंक से पैसे कम हो गए, ठीक हाँ है? ये टू इफेक्ट हो गए, कार बढ़ गई और बैंक से पैसे कम हो गए, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं। अब जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप हेडिंग डालेंगे ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, ट्रांजेक्शन। अगली हाँ, अब वो ट्रांजेक्शन अभी सीखेंगे कि जहां पर डुअल एस्पेक्ट बोला कि उसके दो इफेक्ट होते हैं, तो उन दो इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं। ये तो बोलता है कि हर डेबिट का क्रेडिट होता है, डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? फॉर एवरी डेबिट देर इज अ क्रेडिट। अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा, तो यहाँ पे कार क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, और बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, सेम अमाउंट पे। इसको हमें समझना है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन दिखती कैसे है। अभी तो सर आपने डेफिनेशन पढ़ा दी, अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे? तो लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एसेट्स इक्वल्स टू, एसेट्स लिखो इक्वल्स टू, मैं लिखवा रहा हूं आप लिखिए, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि भाई एसेट्स क्या, किसके इक्वल होते हैं? लाइबिलिटीज के। बट सर यहाँ पे तो कैपिटल भी आ गया, तो कैपिटल भी क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, ओनर्स की लाइबिलिटी होती है, ये मालिक की लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना? फिर अब इससे हमारे फॉर्मूले बन गए दो और। कौन से फॉर्मूले बने? कि भाई मेरे को लाइबिलिटीज चाहता है कि लाइबिलिटीज कितनी है, तो लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बन गया? एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल। फिर कोई कहता भाई कैपिटल जाननी है, तो कैपिटल का फॉर्मूला बन गया एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इन दोनों के फॉर्मूले अलग हाँ, इसी चीज से ये बना ना, इसी चीज से ये दोनों बने। अलग। हाँ मेन अकाउंटिंग इक्वेशन तो ये है, ये हमें बनानी है। अगर आप फॉर्मेट देखें अकाउंटिंग इक्वेशन का तो कैसे होता है ये फॉर्मेट बनाएंगे आप? यहां होता है ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस यहां एसेट्स के नाम आते हैं, इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ऐसे हमें बनाना है, बना लिया। ठीक है? अच्छा, अब हम समझते हैं इसके ट्रांजेक्शन के बारे में, समझते हैं कि भाई कौन कौन से इसमें लेन देन आएंगे। जो हमने यहाँ ट्रांजेक्शन वर्ड लिखा है, यहाँ कौन कौन से ट्रांजेक्शन और यहाँ पर क्या क्या उनके इफेक्ट होने वाले हैं, तो आपने हेडिंग डाल रखी थी ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। समझते हैं वो कौन से ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, पहला ट्रांजेक्शन है इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। असेट भी बढ़ रही है और लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है, असेट भी बढ़ रही है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है।
तो इसको हमें सीखना है कि ऐसा कब होगा सर कि एसेट भी बढ़ेंगे और लाइबिलिटीज भी आपकी बढ़ेंगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट रुपीज 15 लाख, 15 लाख की मशीन उधार ले ली, समझे बात हाँ या नहीं? तो जब हाँ हमने 15 लाख रुपए की मशीन उधार ली है तो क्या होगा इसका ट्रांजेक्शन? तो आपने क्या करना है, सुनिए मेरी बात, सबसे पहले ये देखना है कि भाई जो ये ट्रांजेक्शन हुआ इसमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स इन्वॉल्व, ये देखना है इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट करेंगे। दूसरा इनका नेचर जानना, नेचर क्या कि भाई ये एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है, लायबिलिटी है या फिर कैपिटल है, ये हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। इतना फाइंड आउट करने के बाद तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं अपने इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ मशीन है और उधार ली है, तो जो हमें उधार देता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट, अकाउंट कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया मशीन अकाउंट, दूसरा आ गया, दूसरा क्या आ गया, क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अगर मैं बात करूं मशीन की तो मशीन क्या है, एसेट है, मशीन क्या है, एसेट, सर ये क्या एसेट, और क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी। सर अब दो चीज बढ़ रहे हैं, एसेट भी बढ़ रही है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है, एसेट भी बढ़ रही है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक हाँ है। तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम सीखेंगे कि इसको यहां पर कैसे लिखेंगे। लिख लिया ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे भाई, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले हम एसेट में एक कॉलम बनाएंगे, मशीन, मशीन इक्वल्स टू क्रेडिटर, ठीक है, मशीन और लाइबिलिटीज क्या होगी, क्रेडिटर। यहां लिखेंगे परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, ऑल गुड हाँ ऑन क्रेडिट। तो 15 लाख रुपए मशीन में प्लस होंगे और क्रेडिटर्स में भी 15 लाख रुपए प्लस हो जाएंगे, ओके आई बात समझ, और कैपिटल रह जाएगा जीरो। मेरे परचेज मशीन ऑन क्रेडिट लिखा है ना। हाँ उधार मशीन खरीदी हमने,
लिख लिया। लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एग्जाम्पल टू, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद Yes. कैश 5 लाख रुपए, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ 5 लाख से, तो आप जरा मेरे को बताओ कि कौन कौन से अकाउंट यहाँ पर आएंगे। एक किसी के साथ में कैश अकाउंट आएगा, एक क्या आएगा कैश अकाउंट। तो कैश क्या होती है, मेरी असेट होती है। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, तो कैपिटल कैपिटल ऑलरेडी, तो असेट की जगह कैश लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख और कैपिटल 5 लाख। सर आवाज पास समझ। फिर भी जनता भरी भी तो अपना आप क्या करेंगे, कैश में 5 लाख रुपए लिख देंगे और कैपिटल में भी 5 लाख रुपए लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन असेट। सेकंड क्या है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। यानी जब दोनों ही घटेंगे तो वो कैसे ट्रांजेक्शन है कि भाई असेट भी कम हो रही है और लाइबिलिटीज भी कम हो रही है। तो उसमें क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। इसका एग्जांपल क्या हो गया, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, एग्जांपल नंबर 3। तो जब क्रेडिटर्स को कैश पे करेंगे, सपोज करो 15,000 रुपए दिए, तो लाइबिलिटीज कहाँ आता है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ आता है, लाइबिलिटीज में। तो कैश आपने पे करा तो क्या होगा, कैश में से 15,000 रुपए माइनस हो जाएंगे और क्रेडिटर्स में 15,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गया कैश पे टू क्रेडिटर्स, यानी कि असेट भी कम हो रही है और लायबिलिटीज भी कम हो रही है। बिल्कुल। फिर अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो सब थर्ड वाला जो सेकंड एग्जांपल था, कि उसमें एसेट बढ़ रही थी और कैपिटल बढ़ रही थी। फोर्थ में आता हमारा डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन असेट। अगला क्या है हमारा, डिक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल कब कम होती है, जब ड्रॉइंग्स होती है, ड्रॉइंग्स रुपीस 10,000, 10,000 रुपए क्या हो गई, ड्रॉइंग हो गई। तो ड्रॉइंग्स अगर हो गई है तो क्या करेंगे बताइए, ड्रॉइंग से कैश कम हो जाएगा, यहां लिख देंगे ड्रॉइंग्स, जब कैश कम होगा तो कैश में से माइनस हो जाएगा 10,000 रुपए और कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे 10,000 रुपए। समझ। हाँ तो अभी तक हमने जितना भी देखा वो ये देखा कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, दो दो, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि अब जो ट्रांजेक्शन होंगे उसके दो से ज्यादा इफेक्ट होंगे, कितने होंगे, दो से ज्यादा, मोर देन टू, मोर देन टू, टू इफेक्ट्स होंगे। ये टॉपिक हो जाएगा ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, दो से ज्यादा। इसमें एग्जांपल 5, स्टार्टेड बिजनेस कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, स्टॉक 50,000 रुपीज, फर्नीचर रुपीज
मशीन रुपीज 1,60,000। यही बात समझ, बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस में क्या क्या लगा रहे हैं? कैश लेकर आ रहे हैं 1,00,000 रुपए, स्टॉक ला रहे हैं 50,000, फर्नीचर ला रहे हैं 1,00,000 रुपए का, और मशीन ला रहे हैं 1,60,000 की। तो सबसे पहले तो अकाउंट्स कौन कौन से इसके अंदर, पहला अकाउंट है कैश, दूसरा स्टॉक, तीसरा फर्नीचर, चौथा मशीन। ये चारों ही क्या है? ये चारों ही क्या है बताइए? एसेट है मेरी, चारों ही एसेट। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लगाते हैं बिजनेस में, तो उसे बोलते हैं कैपिटल। तो इन सबको अगर छोड़ दो, कैपिटल तो कैपिटल की हो जाएगी 1,00,000 रुपए कैश, 50,000 का स्टॉक, 1,00,000 का फर्नीचर, एक मशीन। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 4,10,000। कितनी हो गई? 4,10,000। क्लियर हुई इतनी बात? अब जो हम अकाउंटिंग कैसे प्रेजेंट करेंगे वो समझ, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा ट्रांजेक्शंस, फिर यहां क्या आती है एसेट। तो एसेट क्या क्या हमारे पास? कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, कैपिटल। हुई हाँ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पर लिख देंगे एज इट इज, कैश में लिख देंगे 1,00,000 रुपए, स्टॉक में लिख देंगे 50,000, फर्नीचर में लिख देंगे 1,00,000, मशीन में लिख देंगे 1,60,000, लायबिलिटी है नहीं, और सब मिला के कैपिटल होगी 4,10,000। ये आई बात क्लियर हुई? तो ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, तो यहाँ कितने आइटम हो गए? 5 आइटम्स हुए। बट ये चीज ध्यान रखना कि डेबिट क्रेडिट के बराबर ही है। ये जो कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन है, ये सब क्या होती है? डेबिट होती है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो डेबिट हुआ 4,10,000 से, और कैपिटल क्रेडिट भी हुआ 4,10,000 से। इट मींस डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हुआ। इतनी बात क्लियर हुई? इसे नोट कर लीजिए, एक मिनट कर रहा हूं। हो गया? अभी कर रहा हूँ, होने वाला है।
टेबल ही बनाना है। हाँ हो गया। फिर हाँ हो गया। अब इसके बाद एक हम छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दिख रहा है, पिक्चर्स ब्लर आ रही है, कोई नहीं मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन और समझेंगे इसका बेसिक की बनाना है कैसे। ये कुछ कुछ तो मैंने सिखा दिया है, पहले थोड़ा कंप्लीट क्वेश्चन तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहले लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस ₹45,000। सेकंड लिखा है इसमें ओपन बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹45,000। थर्ड लिखा है बॉट गुड्स, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी ₹11,200। तो जैसे कि भाई मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले जो हमें देखना है वो यही देखना है कि इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, हो रहा है। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करा है तो पहला तो आ जाएगा कैश अकाउंट, दूसरा आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, दोनों ही क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसने क्या करा, बैंक अकाउंट खोला, तो एक अकाउंट तो हो गया बैंक, बट बैंक अकाउंट खोला था उसमें क्या जमा करे, इसने पैसे जमा करे ₹45,000। तो बैंक तो 4,500 से बढ़ जाएगा, बट कैश अकाउंट 4,500 से कम हो जाएगा। कहता है बहुत गुड्स, सामान खरीदा, तो सामान खरीदा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, स्टॉक, क्या आ जाएगा स्टॉक, तो स्टॉक स्टॉक बढ़ जाएगा। बट कैसे खरीदा, उधार, सन एन कंपनी से खरीदा, तो एक ये हमारे बन गए क्रेडिटर, क्या बन गए क्रेडिटर, तो क्रेडिटर ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो समझना बड़े ध्यान से कि इक्वेशन बनेगी, तो जितनी भी एसेट, एसेट क्या क्या है पर, कैश बैंक और स्टॉक, ये एसेट हो गए, कैश बैंक और स्टॉक ये एसेट हो गए। लायबिलिटीज में कौन है, क्रेडिटर जिसका नाम है सन एंड कंपनी, तो यहां लिख देंगे मैसर सन एंड कंपनी, प्लस में क्या आ गया कैपिटल। इतनी बात क्लियर है। तो हाँ यहाँ लिखेंगे ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में सबसे पहले लिखेंगे ये वाला स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस तो बिजनेस स्टार्ट करो, तो क्या आया ₹45,000 कैश आया, बैंक जीरो, सन वाले भाई भी जीरो, और कैपिटल में आ जाएगा 45,000। यहां तक कोई दिक्कत, नहीं फिर यहां लिखेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन, ओपन बैंक, ओपन बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट मतलब ₹45,000 क्या हो गया, कैश कम हो गया और बैंक में बढ़ गया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब हमारे दो ट्रांजेक्शन हो जाती हैं जोड़ने के लिए, तो उसको ऐड करके लिखते हैं, तो ऐड करके यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यू न्यू इक्वेशन, ये हमें बता रही कैश इसके पास रह गया ₹40,500,
बैंक में देखिए 4500 जीरो जीरो 5000, यहाँ तक क्लियर। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, तीसरा क्या है, बॉट गुड्स, सामान खरीदा, बॉट गुड्स, तो सामान खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो 11,200 रुपए से स्टॉक बढ़ गया, उधार खरीदा था तो 11,200 से लायबिलिटी क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो ये हमने करा। इसके बाद अब देखो, अब हमारे पास तीन ही ट्रांजेक्शन थे क्वेश्चन में, तो अब जोड़ने के बाद जो आएगा हमारे पास, तो बोलेंगे फाइनल इक्वेशन, क्या बोलेंगे, फाइनल फाइनल इक्वेशन। क्वेश्चन। तो जोड़ने बाद क्या आया, 40,500, चार हजार पांच सौ, ग्यारह हजार दो सौ और 4500, इसे क्लोज कर देंगे नहीं। ठीक है, अब ये हमें चेक करने की भाई हमने ठीक करा या नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, असेट्स को ऐड कर लेंगे और लायबिलिटीज को भी ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करने पर 56,200, यहाँ भी कितना आ रहा है 56,200, यानी जब दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब हमने काम करा है बिल्कुल ठीक, हमने काम ठीक करा है। बेसिक सा क्वेश्चन था समझने के लिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन, और होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इमेज भेज देना प्लीज। हाँ, इमेज भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है, हाँ ये नोट कर लीजिए, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, हाँ फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, मैं भूल जाया करो तो तुम मैसेज कर दे करो। आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अगर आपको क्लास समझ में आई है तो कृपया करके एक लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके लिए ऐसे ही बनाता रहूँगा वीडियोज़। और आज की क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था, ये अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क कैसे करती है, आज हमने इसका एक बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व करा था, नेक्स्ट क्लास में हम इसके और बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।